तो गाइज हुंडई की तरफ से अपकमिंग माइक्रो एसयूवी जो कि एक्सटर नाम से आने वाली है, उसका एक्सटीरियर कम्प्लीटली सामने आ चुका है। मतलब उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आने वाली है। और आपको बता दूं, अभी जो है ना एसयूवी का सेगमेंट बढ़ता ही जा रहा है। अब जिस सेगमेंट में एक्स्ट्रा आने वाली है हुंडई की, उसी सेगमेंट में आज के टाइम पे आपको कौन सी कार्स देखने को मिलती है, तो टाटा की तरफ से देखने को मिलती है पंच, और इसी सेगमेंट में आप काइगर मैग्नाइट को भी रख सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो फ्रॉन्क्स को भी इसी सेगमेंट में रख सकते हो। बाकी इग्निश या के यू वी तो चलो गेम से ही बाहर है, बट हाँ इग्निश भी इसी सेगमेंट में आती है। तो ये जो माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, सिट्रॉन के C3 भी इसी सेगमेंट में लाई करती है। तो कुल मिला के जो सेगमेंट है ग्रो हो रहा है, इसी सेगमेंट में हुंडई भी एंट्री मार रहा है अपने एक्स्टर के साथ। अब यार एक्स्टर का बहुत टाइम से टेस्टिंग चल रही है, बार बार स्पाई हो रही है, तो आज इसका कम्प्लीटली एक्सटीरियर सामने आ चुका है। सीधा ना पंच को राइवल करने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट में मोस्ट सेलिंग कार है टाटा पंच। ऑब्वियस बात है भाई, एक्स्टर हुंडई का प्रोडक्ट होगा तो ये सीधा टाटा पंच को राइवल करेगा, उससे नेक टू नेक कॉम्पीट भी करेगा। ठीक, तो पहले इसके एक्सटीरियर को देख लेते हैं कि भैया क्या सामने आया है। तो इसका देखो, ऐसा कुछ एक्सटीरियर सामने आया है। अगर आप एक्सटीरियर को देखोगे फ्रंट से, तो फ्रंट ऐसा है कि फ्रंट में ना पैरामेट्रिक ग्रिल देखने को मिलती है, जैसे ग्रिल आपको वेन्यू में देखने को मिलती है। बट ऊपर का जो पूरा सेक्शन है ना, वो वर्ना जैसा लग रहा है। न्यू वर्ना आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसी ही पूरी फ्रंट की डिज़ाइन है, जो हुंडई का लोगो है ऊपर बोनट पे प्लेस किया गया है। और बड़ी सी कनेक्टेड फ्रंट में भी बार लाइट ऐड करी गई है सारे साथ में। नीचे प्रोजेक्टर दिया गया है, ऊपर DRL दिए गए हैं। तो फ्रंट का जो पूरा प्रोफाइल है वो फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है, और वेन्यू और सारे साथ में वर्ना, इन दोनों को कंबाइन करके इसका फ्रंट प्रोफाइल बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट में थोड़ा नया रहने वाला है। इसी के साथ अगर आप इसको साइड प्रोफाइल की तरफ चलोगे तो अलॉय व्हील की डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी हटके है, अलग सी है। 15 इंचेस के इसमें व्हील देखने को मिलेंगे, बेस मॉडल्स में आपको स्टील व्हील देखने को मिलेंगे, और टॉप एंड मॉडल्स में आपको 15 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जो कि मशीन कट होंगे। बाकी क्लैडिंग वगैरह देख सकते हो, चारों तरफ क्लैडिंग ऐड करी गई है। ऊपर आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिलेंगी, और हाँ इसी के साथ ए पिलर देखो और बी पिलर, ये ब्लैक आउट करे गए हैं सारे साथ में। सी पिलर में कुछ पार्ट इसका ब्लैक आउट रखा गया है। तो ऐसा कुछ इसका भाई फ्रंट का प्रोफाइल। इसी के साथ फ्रंट में आपको स्किड प्लेट भी दिख रही होगी। तो ऐसा है भाई इसका फ्रंट का प्रोफाइल। अब पीछे की तरफ चलो, तो पीछे का अगर आप सेक्शन देखते हो तो वेन्यू से जो इसकी टेल लाइट है वो वेन्यू जैसी ही है, बट अभी ना जो अभी करंट में वेन्यू चल रही है ना, उससे अलग है। अगर आप पीछे वाली जनरेशन की वेन्यू को देखोगे तो उससे मिलती जुलती इसकी टेल लाइट है। पीछे सेंटर में हुंडई का लोगो है, और इसमें भी कनेक्टेड लाइट जैसी है, बट अभी क्लियर नहीं समझ आ रहा है। बट हाँ इतना है कि कनेक्टेड टेल लाइट ही मिलने वाली है। रीजन कि भैया हुंडई जो है ना अपनी सभी कार्स में एक जैसे डिजाइन फिलोसफी को फॉलो करता है। इसी के साथ नीचे इसमें आप देखो स्किड प्लेट है, ऊपर शार्पन एंटीना है, साथ में रियर वाले विंडस्क्रीन में आपको वाइपर डिफॉगर वॉशर भी देखने को मिलने वाला है। और पीछे का सेक्शन ऐसा कुछ है, देखने में अच्छा लग रहा है, बॉक्सी है, और हाँ इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग नहीं रहा है। बाकी रियल डायमेंशन जब आएंगे तब भाई इसके एग्जैक्ट साइज का पता लगने वाला है। बट हाँ एक चीज़ और आप नोटिस करो, यहाँ पे ना जो साइलेंसर है वो मुझे ट्विन पोर्ट जैसा दिख रहा है, बट है ट्विन पोर्ट का नहीं, बट हाँ इस क्लिप में जो स्पाई हुई है इसमें ट्विन पोर्ट वाला दिख रहा है। तो भाई ऐसा कुछ है एक्सटीरियर का लुक। तो एक्सटीरियर से देखने में काफ़ी अपीलिंग है, और हाँ मुझे लग रहा है कि पंच की साइज से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी रहेगी। इसकी प्लेसमेंट हुंडई कहाँ पे करेगा, तो इसकी प्लेसमेंट करेगा आइटेनियोस और वेन्यू के बीच में। तो प्राइसिंग भी लगभग उसी रेंज में रहेगी, 6-7 लाख रुपए से लेके 10-11 लाख रुपए के बीच में। अब इसमें फीचर्स क्या मिलेंगे, तो आपको बता दूं इसमें फीचर्स में आप सभी को पता है कि हुंडई बेस्ट इन क्लास फीचर्स ऑफर करता है। तो इसमें टच स्क्रीन मिलने वाला है बड़ा सा, सारे साथ में क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड फीचर्स, और हाँ सनरूफ भी इसमें देखने को मिल सकता है इसके टॉप एंड मॉडल्स में। इंजन की बात करें तो दो इंजन के ऑप्शन इसमें एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं। पहला तो भैया वही 1.2 लीटर का इंजन होगा जो कि आपको आइटेनियोस या फिर ऑरा में देखने को मिलता है। 82 BHP की मैक्स पावर और 115 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। ये 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा। हाँ 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT के साथ ये इंजन मिलेगा। दूसरा इंजन इसमें एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि भैया इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल भी मिलेगा जो कि लगभग 99 BHP की मैक्स पावर और 172 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको एक नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए सिटी के लिए तो भैया आप इनका 1.2 ले सकते हो। अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इनका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल खरीद सकते हो। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी 6-10 लाख रुपए के बीच में रहेगी। अब इसका टारगेट क्या है, तो इनका सिंपल सा टारगेट है भैया कि जो बंदे पंच खरीद रहे हैं ना उनको भी अट्रैक्ट कर पाएं, और अभी वो पंच नहीं बल्कि इसको भी ऑप्शन में रखें।
सेम ऐसे ही सेट्रॉन C3 को जो बंदे खरीद रहे हैं तो इसको भी ऑप्शन में रखें। कुल मिला के इसके आने के बाद माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो अभी आपको कन्फ्यूजन होगा इसके आने के बाद पंच, एक्स्टर और C3 में। बाकी हाँ, बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में मैग्नाइट और काइगर को भी रख लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा का लुक आपको पसंद आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से मुझे तो फ्रंट इसका ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे लाइक करो, शेयर करो।